हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली Xiaomi ने एक अमेजिंग प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है जिसके हेल्प से आप किसी भी नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वो भी बहुत ही आसानी से। जी हाँ, आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं MI TV Stick का, जो रियली एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। सो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो MI TV Stick में सिंगल HDMI पोर्ट दिया गया है। कोई भी टीवी जिसमें HDMI पोर्ट सपोर्टेड है उसके आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं एंड उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक स्मार्ट टीवी में, यानी एक एंड्रॉयड टीवी में। अगर आपका टीवी में HDMI पोर्ट नहीं भी है तो भी कोई टेंशन का बात नहीं है, क्योंकि आप डिफरेंस जो एडाप्टर्स आता है मार्केट में उसको यूज़ करके आप HDMI पोर्ट कनेक्ट कर सकते हैं एंड अपना CRT टीवी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं एक एंड्रॉयड टीवी में और एक स्मार्ट टीवी में। सो स्टार्ट करते हैं हमारा अनबॉक्सिंग एंड देखते हैं बॉक्स में क्या क्या दिया गया है। सो बॉक्स के अंदर ही पहले ही आपको मिल जाता है कुछ यूज़र मैनुअल्स, जिधर आप सारे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कैसे MI स्टिक को यूज़ करना है। नेक्स्ट आपको बॉक्स में मिल जाता है MI TV का रिमोट एंड इस रिमोट में आपको मिल जाएगा 2 डेडिकेटेड बटन फॉर नेटफ्लिक्स एंड Amazon Prime। सो 1 क्लिक में आप दोनों ही इंजॉय कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इस रिमोट का डिज़ाइन बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही क्लीन है एंड इसमें गूगल असिस्टेंट का भी एक डेडिकेटेड बटन आपको मिल जाता है एंड एकदम ये रिमोट बिल्कुल MI TV के साथ जो रिमोट आता है उससे सिमिलर है। नेक्स्ट आपको बॉक्स में मिल जाता है मेन MI स्टिक। इसमें आपको 2 GHz का कॉर्टेक्स A55 आर्किटेक्चर का क्वाड कोर प्रोसेसर मिल जाता है, 1 GB का DDR4 रैम मिल जाता है, 8 GB का स्टोरेज मिल जाता है, लेकिन इसमें कोई USB पोर्ट नहीं है। सो आपको मेमोरी एक्सटेंड करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलता। डुअल बैंड वाईफाई इधर सपोर्टेड है, Dolby Atmos इधर सपोर्टेड है एंड इसमें फुल HD का सपोर्ट है बट HDR का सपोर्ट नहीं मिलता आपको। बॉक्स में आपको और कुछ खास नहीं मिलता है, एक microUSB केबल एंड उसका एडाप्टर मिलता है जो MI स्टिक को पावर सप्लाई करता है। सो फर्स्ट टाइम आप जब नॉर्मल टीवी में MI स्टिक यूज़ करेंगे तो आपको जस्ट लाइक एंड्रॉयड स्मार्टफोन सारे सेटअप्स करना पड़ेगा। आपको गूगल से साइन इन करना पड़ेगा एंड बाकी जितना भी सेटअप्स होता है एंड्रॉयड सिस्टम यूज़ करने के लिए सारी करना पड़ेगा एंड देन आपका टीवी रेडी टू यूज़ हो जाएगा एंड आप अपना नॉर्मल टीवी में एंड्रॉयड टीवी का मज़ा ले सकते हैं। इसमें आपको बाई डिफ़ॉल्ट YouTube, Amazon Prime, Netflix ये सारे स्ट्रीमिंग एप्स प्री इंस्टॉल मिलेगा एंड आप गूगल प्ले स्टोर से भी एंड्रॉयड टीवी के लिए बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। 5000 से भी ज़्यादा ऐप सपोर्टेड है इसमें। सो इस अमेजिंग प्रोडक्ट से आप 3000 से भी कम प्राइस में आपका नॉर्मल टीवी को बना सकते हैं एक स्मार्ट टीवी और एक एंड्रॉयड टीवी। सो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए।